हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में। मैं रवीन सर आज आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन कराएंगे। ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड होंगे, लेक्चर फर्स्ट होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि आता है ह्यूमन ब्लड से तो वो गलत नहीं होने वाला। कोई भी एग्ज़ाम पीसीएस का हो, आरओ हो, लेखपाल हो, या रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एमपीटीपीएससी, कोई भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एमसीक्यूज ऑन ह्यूमन ब्लड लेक्चर फर्स्ट बाय रवीन सर, स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब, कॉन्टैक्ट नंबर दिस। तो ये जो हमारा सीरीज होगा ये बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन इसके स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में इंग्लिश टाइप नहीं हुई है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्त होता है तो रक्त क्या होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? एक सजीव ऊतक होता है। इसका आंसर होगा ए। लेक्चर में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं डिटेल लेक्चर उसका। क्वेश्चन नंबर दो स्क्रीन पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर दो में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे बैक क्यों होते हो यार। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड कलर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवेन कोड ब्लो। तो इट कंटेन्स आयरन, बिल्कुल सही है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज एंड इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो 1, 2, 4 क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 4 तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इन विच एनिमल प्रोटोप्लाज्म डज हीमोग्लोबिन डिजॉल्व। तो किस में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व हो जाता है? तो इसका आंसर होगा केचुआ में। किस में होता है? केचुआ में। आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द बॉडी? कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, यही होता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। पूरे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इसका सॉरी ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मात्र 10 मिनट का सेशन होगा और उतने में ही आपके ये तैयार हो जाएंगे। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक पर हमने लेक्चर पढ़ाया है, उसको आप जाके देख लेंगे। तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। ये ध्यान रखिएगा, तो 120 पहले सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो उसका रक्तदाब क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है। क्या होता है? इंक्रीज करते जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तेजी से, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एज अ पर्सन गेट्स ओके, ये थोड़ा सा हमारा ऑप्शन चेंज हो गया है इंग्लिश में, इसको देख लीजिएगा। ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। इंग्लिश वाला ऑप्शन चेंज हो गए हैं, तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। इधर हिंदी वाला आप देखिए इसको। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें। लिखा है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज
वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है 760, आपको बताया था 760। और जब हम वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष अपना वायु दाब देखते हैं तो वो 120 उससे होता है। तो 120 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अधिक हो जाएगा, ये पढ़ाया गया है, आपको देख लीजिएगा। आंसर इसका क्या बनेगा? बी बनेगा, ठीक है। आप लेक्चर इसका पढ़ा हुआ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर, फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर किसको मानते हैं हम लोग? ओ को। तो ओ हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, दिया है, ये एसरसन और रीजन का है। पीपल ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसिपेंट्स, मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना, यानी वो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाट इज द रीजन? तो रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी डू नॉट कंटेन एनी एंटीजन एंड हेंस डू नॉट एग्लूटिनेट, ठीक है, विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। तो ए सही है, आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। जो रीजन दिया हुआ है उसमें लिखा है एंटीजन, तो एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर इन क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका हमने लेक्चर पढ़ाया हुआ है ब्लड ग्रुप वाला, तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ये लेक्चर अगर आप देख लेंगे और फिर इस MCQs को सॉल्व करेंगे तो आप उसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि, इंग्लिश वाला पढ़िए, अ पर्सन विद ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल ब्लड डोनर बिकॉज। तो देखिए यहाँ पर ये डोनर नहीं होगा, ये एक्सेप्टर होगा, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल डोनर नहीं होता, ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत लिख गई है। तो क्यों ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? क्योंकि इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसीलिए ये होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसके पहले क्वेश्चन वही है जो पहले वाला था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए डिटेल में यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिटेल में लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, तो वो इसके पहले आप लेक्चर देखिए, इसके बाद ये MCQs सॉल्व करिए तो आप आसानी से कर लेंगे। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्त चढ़ाने की सलाह देता है, ब्लड चढ़ाने की सलाह देता है, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है कि जो उसके रिलेटिव्स हैं वो इसको ब्लड दें, जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो पत्नी का ब्लड ग्रुप ओ पाया गया, तो ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये तो दे चढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है वो भी दे देगा, और ओ ब्लड ग्रुप पुत्री, चाहे पुत्री का हो चाहे पत्नी का हो, ब्लड ग्रुप ओ है तो सभी का उसको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी वाला नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि ए बी में एंटीजन ए और बी पाया जाता है, और जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें उसमें भी एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीजन? बी पाया जाता है। तो ए बी वाले का जो बी एंटीजन है वो उससे मैच कर जाएगा और वो समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी उसके मिल जाएंगे। तो
पत्नी ओ ब्लड ग्रुप वाली दे सकती है, पुत्री ओ ब्लड ग्रुप वाली दे सकती है और पुत्र दे सकता है। तो 1 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 डी। तो किसमें है, ये डी में है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारा लेक्चर ब्लड ग्रुप वाला देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं, बिना मतलब एक्सीडेंट हो गया और बहुत इमरजेंसी है, और वो अगर उसके ब्लड ग्रुप का परीक्षण किया गया तब तक वो मर जाएगा, तो बिना टेस्टिंग के हमें उसे ब्लड देना है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसे दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा ओ निगेटिव, तो यहाँ पर लिखा है ओ पॉजिटिव और बी पर लिखा है ओ, ये ओ निगेटिव है, एक्चुअल में ये ओ निगेटिव है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ओ निगेटिव मतलब होता है इसमें कोई आरएच फैक्टर भी नहीं है। तो जो ओ निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, बिना टेस्टिंग के आप किसी को भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। तो ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है, ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ऐसा क्यों, तो इसका जवाब पाने के लिए आप हमारा डिटेल में लेक्चर देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, सर्च कर लीजिएगा ब्लड ग्रुप वाला, हमारे चैनल पर जाकर आप ब्लड ग्रुप वाला लेक्चर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मतलब उसका वही क्वेश्चन है दूसरे रूप में पूछा गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं, और उसे तुरंत रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित ब्लड ग्रुप में से किस एक का रक्त उसको चढ़ाया जा सकता है, मतलब सुरक्षित तरीके से चढ़ाया जा सकता है। तो ओ निगेटिव, अभी आपको बताया कौन सा चढ़ाया जा सकता है, ओ निगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ निगेटिव का मतलब क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप है और जिसमें आरएच फैक्टर निगेटिव है, इसको हम पढ़ते हैं ओ निगेटिव। तो ये यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको, तो ये वाला होगा पहला वाला, इस पर निगेटिव होगा, ऊपर लिखा नहीं है, और ये बी ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ आर एच निगेटिव। ओ निगेटिव का मतलब जिसमें आर एच फैक्टर नहीं है, निगेटिव है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। तो हमेशा ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर बनता है और ए बी निगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर बनता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, ये MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल MCQs थे, तो ऐसे ही हम एक इसका लेक्चर सेकेंड भी आपके सामने लाएंगे, उसमें इससे एडवांस क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये लेक्चर देखने के पहले हमारी सलाह है कि आप हमारे ब्लड ग्रुप वाले लेक्चर को, ब्लड पर 3-4 लेक्चर पड़े हुए हैं, सभी देख जाइए, 10-10 मिनट के हैं, और इसके बाद MCQs आप सॉल्व करिए, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी आप सही कर लोगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस आपको देते रहें हर टॉपिक पर। हमारे चैनल पर कुछ विशेष जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, उनका हल प्रस्तुत किया जाता है परीक्षा से जुड़ी हुई, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिस मिलते रहें। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप उससे जुड़ जाइए, क्योंकि जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसकी MCQs हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसकी PDF जितने भी MCQs हैं उसका PDF ज़रूर हम देते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम इसी टॉपिक के सेकंड लेक्चर में।